सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल नोएडा रियल्टी। सो आज हम विजिट करने वाले हैं दी ओनली रेडी टू मूव लीजहोल्ड विलाज इन नोएडा एक्सटेंशन। सो वीडियो की शुरुआत में जो आपने फुटेज देखी थी, दैट वॉज दी सोसाइटी कमर्शियल टू लेजर वैली। प्रोजेक्ट की बात करें तो दिस इज अमरपाली लेजर वैली नोएडा एक्सटेंशन। अगर लोकेशन की बात करें तो दिस इज इन टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। वेरिएंट और साइज की बात करें तो जो वेरिएंट हम विजिट करने वाले हैं, दिस इज 3 BHK प्लस स्टोर प्लस 7। वही साइज की बात करें तो दिस इज 1825 स्क्वायर फीट। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एंटर करते ही आपको एक पार्किंग स्पेस मिल जाता है। पार्किंग स्पेस के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 14x810 अराउंड। सो नाउ मूविंग फ्रॉम द फ्रंट एंट्री, जैसा कि आपने देखा विला में डुअल एंट्री है। सो एंटरिंग फ्रॉम द फ्रंट एंट्री, एंटर करते ही आपको एक लिविंग रूम मिल जाता है जिसका डायमेंशन 12x9x11 अराउंड है, अलॉन्ग विद द डाइनिंग एरिया जिसका डायमेंशन 9x3x15x4 है। करंट अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज डुअल एंट्री टू योर विला। सो नाउ मूविंग फर्दर, ये आपका किचन एरिया है जिसका डायमेंशन 10x6x74 अराउंड है। विला में अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो सारे ही विला आपके रीसेल में अवेलेबल है। सो फर्स्ट बेडरूम के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 10x6x12x6। दिस डज हैव अ कनेक्टेड वॉशरूम जिसका डायमेंशन 5x8 का है। सो नाउ दिस वॉज द यूटिलिटी स्पेस जो किचन से कनेक्टेड था। सो अगर प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें, टोटल प्रोजेक्ट आपका 100 एकर्स में है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट 887 है। सो देयर इज अ कॉमन वॉशरूम एट द ग्राउंड फ्लोर जिसका डायमेंशन आपका 37x46 अराउंड है। सो नाउ मूविंग फर्दर टू द फर्स्ट फ्लोर, सो दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर एरिया। एंटर करते ही आपका एक लाउंज एरिया आ जाता है जिसका डायमेंशन 14x3x11 अराउंड है। सो इस फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम जिसका डायमेंशन 12x4x11 अराउंड है। दिस डज हैव अ बालकनी टू द फ्रंट साइड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कनेक्टेड वॉशरूम मिल जाता है अलॉन्ग विद द ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया का डायमेंशन 310x73 है और वही अगर हम वॉशरूम की बात करें तो दैट इज 5x73 अराउंड। करंट स्टेटस की बात करें प्रोजेक्ट की तो इट वॉज बींग मैनेज्ड बाय NBCC और वही हम बाइंग प्रोसेस की बात करें तो द विला इज ट्रांसफरेबल। सो दिस इज द बालकनी व्यू फ्रॉम योर विला। प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें आपको 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK विलाज मिल जाते हैं। अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में लीज होल्ड विला की बात करें तो लेजर वैली ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको रेडी टू मूव विलाज मिल जाते हैं। सो नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम, 10x6x14x6 का डायमेंशन है इसका। दिस डज हैव अ कनेक्टेड वॉशरूम अलॉन्ग विद द ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया का डायमेंशन 8x6x53 है और वही आपके वॉशरूम का डायमेंशन 5x8 अराउंड है। इसी रूम में आपको एक स्टोरेज एरिया मिल जाता है जिसका डायमेंशन 3x54 अराउंड है। दिस रूम डज हैव अ बालकनी टुवर्ड्स द बैक साइड। अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो योर विला इज इक्वली वेंटिलेटेड। फ्रंट में भी आपको बालकनी मिल जाती है, बैक में भी अगर आप देखेंगे तो एक ड्रॉप आउट एरिया है जिसकी वजह से इफेक्टिव सनलाइट आती है आपके विला में। सो नाउ दीज आर योर स्टेयर्स टू द टॉप फ्लोर। ऊपर एंटर करते ही आपका लिविंग एरिया आ जाता है जिसका डायमेंशन 9x3x610 अराउंड है। अब टॉप फ्लोर की बात करें तो इस पे आपका एक सर्वेंट रूम है अलॉन्ग विद द वॉशरूम एंड योर ओपन टेरेस एरिया। सो दिस इज द ओपन टेरेस एरिया टू योर विला टुवर्ड्स द फ्रंट। लेजर वैली में अगर साइजेस की बात करें तो 1825 स्क्वायर फीट से लेकर आपको 2950 स्क्वायर फीट तक के विला मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर विला की बात करें तो दी प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.05 CR। जैसा कि हमने आपको बताया कि विलाज रीसेल में अवेलेबल हैं, तो इन विलाज का प्राइस वैरी करता है फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। सो नाउ वी विल शो यू द सर्वेंट रूम। सो दिस इज द सर्वेंट रूम अलॉन्ग विद द वॉशरूम। डायमेंशंस आर देयर ऑन द स्क्रीन। टू नो मोर अबाउट दीज विलाज और टू विजिट दिस प्रॉपर्टी, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इनकेस आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। सो वील सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।